हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो T2 यक्स डिवाइस के अंदर आप स्क्रीन सेवर क्लॉक सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फ़ोन में स्क्रीन सेवर क्लॉक सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों स्क्रीन सेवर क्लॉक होता है कि जैसे आपकी स्क्रीन की लाइट ऑफ हो जाएगी तो वहां पे वो क्लॉक शो होगा, आपके स्क्रीन की जो लाइट है ऑफ हो जाएगी तो वहां पे वो क्लॉक शो होगा, ऑफ लाइट के ऊपर वो क्लॉक शो होगा और आपकी जो डिस्प्ले वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसको आप कैसे यूज करेंगे इसी का सेटिंग हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए अपने सेटिंग में ले चलते हैं, वहां से आपको बताते हैं कि इस तरह से आपको अपने फोन में स्क्रीन सेवर क्लॉक सेटिंग करना है। दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो हो रहा है अपने डिवाइस से, हम आपको बताएं कि आप अपने फोन में स्क्रीन सेवर क्लॉक सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर में अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन कर लिया, आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है और सेटिंग में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है, नीचे आपको मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है, योलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, नीचे आपको मिलता है स्क्रीन सेवर, तो आपको उस पर क्लिक करना है, योलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर आपको मिलता है यूज स्क्रीन सेवर, आप देख रहे हैं वो ऑप्शन है यहाँ पे यूज स्क्रीन सेवर, उसके आगे थोड़ा सा बटन है जिसको आपको इनेबल करना है। ये बटन को आप पहले इनेबल कर लेना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है कस्टमाइज, तो आपको उस पर क्लिक करना है, योलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, फर्स्ट में आपको मिलता है स्टाइल का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है, योलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शन है अनलॉक डिजिटल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आप कौन सा क्लॉक यूज करेंगे, कौन सा क्लॉक आप यूज करेंगे, अनलॉक करेंगे या डिजिटल करेंगे। दोस्तों अगर आप गोल वाली घड़ी यूज करना चाहते हैं गोल वाली घड़ी कर सकते हैं, अगर आप गिनती वाली यूज करना चाहते हैं गिनती वाली यूज कर सकते हैं। डिजिटल आपको मिल जाएगा गिनती वाली, आप उसको यूज़ करें, हमको उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है, जो डिजिटल है वो काफ़ी अच्छा लगता है, उसको हम यूज करते हैं अपने फ़ोन में, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे सेट हो जाता है, नीचे आपको मिलता है नाइट मोड का ऑप्शन, तो आपको नाइट मोड के जो बटन है उसको इनेबल कर लेना, हमारे फ़ोन में इनेबल है, आपको भी अपने फ़ोन में इसको इनेबल कर लेना है। तो दोस्तों जब क्लॉक शो होगा आपकी जो डिस्प्ले है वो ब्लैक कलर की रहेगी और काफ़ी अच्छा लगेगा आपका डिस्प्ले, तो हम इसको ऐसे इनेबल कर लेते हैं। इस तरह से आपको इनेबल कर लेना है और यहाँ से बैक हो जाना है। जैसे आप यहाँ से बैक होते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन और नीचे आपको मिलता है वेन टू स्टार्ट, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन शो होते हैं और फर्स्ट नंबर आपको मिलता है विल चार्जिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आप जो क्लॉक सेटिंग किए हैं उसको कहाँ पे यूज करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है, तो आपको फर्स्ट नंबर मिलता है विल चार्जिंग, अगर आप अपने चार्जिंग के साथ में यूज करना चाहते हैं चार्जिंग के साथ में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज लगाते हैं जब आपको डिस्प्ले की लाइट जो है ऑफ हो जाएगी तो वहाँ पे वो क्लॉक शो हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे सेटिंग है, आप अगर वहाँ पे यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है विल डॉकेट, दोस्तों जैसे आप अपने फ़ोन को यूज कर रहे हैं यूज करके छोड़ देते हैं तो आपकी जो लाइट है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, वहाँ पे अगर आप सेट करना चाहते हैं अपने क्लॉक को तो सेट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है, आप दोनों जगह सेट करना चाहें दोनों जगह भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल आप करना चाहें सिंगल सिंगल भी जगह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे मिलता है विल चार्जिंग और डॉकेट, आप दोनों जगह यूज करना चाहते हैं दोनों जगह भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों जगह पे इसे क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद नीचे आपको मिलता है रिव्यू, आप उसको देख सकते हैं किस तरह से आपके स्क्रीन पे जो क्लॉक है वो शो होगा, तो हम इसको यहाँ पे रिव्यू करते हैं और देखते हैं हमारे स्क्रीन पे जो क्लॉक है वो किस तरह से शो होगा। और इसको हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो क्लॉक हमारा है यहाँ पे शो हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन सेवर क्लॉक सेटिंग करके अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो क्लॉक है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन में स्क्रीन सेवर क्लॉक सेटिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।